गुरुवर प्रणाम, मैं संजय कुमार फिर से मैं धौलपुर हाउस का रिपोर्ट बता रहा हूँ। आज क्या हुआ, आज हमारे दो लोग थे और एक इंग्लिश के थे एक सोशल साइंस के थे। इंग्लिश वाले से आज का दोनों का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, बोर्ड बहुत कूल, चार सदस्यीय बोर्ड, दो महिला दो पुरुष, एक यंग महिला थी। तो जो सवाल पूछा गया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों लोगों से कि आप वाइस प्रिंसिपल बनके क्या करेंगे, यानी रोल एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रिंसिपल। बार बार कहता हूँ कि तापेश्वर सर का वीडियो है ऐप वाले के लिए, उसको देखिए कि वाइस प्रिंसिपल का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। चूंकि वह इमीडिएट असेस्ट करता है प्रिंसिपल को, तो स्वमेव में वह अपने आप ऑटोमेटिकली सारे फंक्शंस को एब्जॉर्ब करता है और फिर उस पर एक्ट भी करता है। चूंकि अल्टीमेटली टू मेंबर्स सेक्रेट कमिटी ही बनती है स्कूल में जाकर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की, और दोनों के कोऑर्डिनेशन जहां अच्छे होते हैं वहां स्कूल बहुत अच्छा करता है, ऐसा देखा गया है। यही रीजन है कि दिल्ली सरकार के जो भी अच्छे प्रयास शिक्षा में हुए हैं उसमें एक ही भी है कि सरकार ने, कोई यूपीएससी अपने आप से कोई पोस्ट नहीं बनाती है, जब तक वो जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय के थ्रू पोस्ट क्रिएट होता है। तो चूंकि दिल्ली के पास अपना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन गजेटेड अपॉइंटिंग का नहीं है, जो है नॉन गजेटेड के लिए है, हालांकि बात चल रही थी, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दिल्ली के प्रिंसिपल लंबे समय से यूपीएससी के थ्रू आते रहे, एक जमाना था जो केवल इंटरव्यू से आते थे, अब भीड़ बढ़ गई है तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी लागू हो गया। तो दिल्ली सरकार ने जो तय किया मापदंड जो यूपीएससी को दिया कि 2 वर्ष ही इसके लिए आपके अनुभव को लिया गया। तो कारण यह है कि बहुत युवा और बहुत अनुभव, युवा और अनुभव के तालमेल से एक सुंदर सा इन्वायरमेंट बने, एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट बने, और जो देश की पॉलिसीज हैं एजुकेशन की या स्टेट की जो पॉलिसीज है वो ठीक से गवर्न हो, वो ठीक से फंक्शनिंग में आए। तो पूरे शिद्दत के साथ विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप चीज़ों को रखते जाइए। इन लोगों ने रखा है कि हमारा रोल ऑलमोस्ट प्रिंसिपल का ही रोल है आपका, उसी स्केल से आपको उनको मदद करनी है। जहाँ दिक्कत होती है तो प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में आपको खड़ा रहना है, आपके वो उनके साथ एक डिसीजन मेकर बन के रहना है। तो सिमेंटेशन है एक तरह से फंक्शनिंग में और स्कूल को अच्छे से गवर्न करने में, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियरल लुक देने में, एक अच्छा प्रशासनिक सिस्टम सिद्ध कराने में, तो डेट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इन लोगों से आज बहुत अच्छी बात पूछ ली गई, जो मैं बार बार नाम लेता हूँ, जॉन डीबी की, डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है। जब तक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है वहाँ भी ये देखा गया है कि जैसे आप अपने समय की बात कीजिए, नाउ वी आर टॉकिंग इन आर टाइम नॉट इन पास्ट, तो चाइना हो, कोरिया हो, जहाँ समहाउ मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट होती है, और इंटायर ईस्टर्न यूरोप में रहा है कि एडुकेशन के मामले में वो लोग इंटरफेयर नहीं करता है स्टेट कहीं भी, ये बल्कि दुर्भाग्य है कि डेमोक्रेसी में ही बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है। एडुकेशन विद ट्रू एडुकेशन के लोगों की सर्च होती है, चाहे अमेरिका हो, बिल्कुल
हिम्मत नहीं है कि जॉन डीवी आज भी जीवित है, सॉरी गुजर गए, नोम चोमस्की जीवित है, इन लोगों में इंटरफेयर स्टेट करे उसके एजुकेशन सिस्टम में, या जितना सब कुछ दिया गया जीन पियाजो को, वो उसमें आज भी जो लोग हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, पीटर सलोवा, इन लोगों की बात को स्टेट मानता है। देखिए आज एक घटना घटी, करंट न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, कल के लिए पार्लियामेंट में दो लोग प्रवेश किए। अब ये एडुकेशन का एक मैटर बन चुका, बीइंग एडुकेशनिस्ट मैं इसे पार्लियामेंट पे अटैक नहीं घोषित कर सकता हूं आंख बूंद कर। एक उदंडता उन बच्चों ने की, ऐसी ही घटना मैं इतिहास में देखता हूं तो भगत सिंह के नौजवान साथियों ने किया, ठीक दर्शक दीर्घा और फिर वैसे ही जाना और छोटा सा एक बम छोड़ना और पर्चा बांटना और कहना इनकलाब जिंदाबाद और बहरों को आवाज देना, काम इन लोगों ने गलत किया। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक यूथ ऐसा भी वर्ग बन रहा है जिसकी शिक्षा में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को इनकलकेट कराने में हम सफल नहीं रहे हैं। ये डेमोक्रेसी एडुकेशन का फेल्योर है। ठीक है बात चलेगी सब एंगल से, सत्ता का है, फांसी होगी, क्या होगा, मुझे उस घटना से कोई लेना देना नहीं, न मेरा वो डोमेन है न कंसर्न है। लेकिन मैं मानता हूं बीइंग ए टीचर कि कहीं ना कहीं वो बच्चा स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं फैमिली की पेरेंटिंग की दिक्कत होगी, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की जगह है, सरकार के बाद से उसकी नाराजगी थी तो भगत सिंह नहीं था कि, या भगत सिंह के समय तो डेमोक्रेसी नहीं थी, उसकी तुलना भगत सिंह से नहीं की जा सकती है, अंग्रेज का था, एक तरफा था। लेकिन इसने अगर वर्तमान सरकार की कुछ नीतियां इन्हें अच्छी नहीं लगी तो ये तरीका तो गलत है। तो यही है डेमोक्रेसी कि आपको पसंद हो ना हो वर्तमान गवर्नमेंट, लेकिन बहुमत में है वो तो रेस्पेक्ट करना होगा, सैल्यूट करना होगा, इस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार अगर बहुमत में है तो हमें सैल्यूट करना होगा, हमें किसी व्यक्ति को सैल्यूट नहीं करना होगा, हमें डेमोक्रेसी को सैल्यूट करना होगा क्योंकि बहुमत की इच्छा उसके साथ है। तो जीवन में जॉन डीवी जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी, जिनकी किताब है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, कि हर जगह पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बच्चों के ऊपर बलात् कोई चीज नहीं थोपा जा सकता है, टू वे कम्युनिकेशन भी समहाउ एजुकेशन है, ये दो तरफा है, ये वन साइडेड नहीं है कि मैं डिलीवर किया और आपने रिसीव किया, यू कैन आस्क एवरीवेयर। और ये बराबर स्टेट को देखने की जरूरत है, आप लोगों को रिकमेंड करने की जरूरत है कहाँ सिलेबस की डिलीवरी में दिक्कत है, कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो और सबसे, चूंकि आप देखते हैं कि पूरी एक कमेटी बनती है जिसमें सोसाइटी के लोग भी रहते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, आप भी होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें सामुदायिक उसको बोलते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। और हमारा हर स्टेक होल्डर अपने को फ्री और उसकी फ्रीडम रहे, उसके फंडामेंटल्स राइट का विड्रॉल नहीं हो, उसको छीन कर हम स्कूल में नहीं बैठाएं कि बैठ मेरे अनुशासन में और तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं, डेट शुड बी क्राइम और यू मस्ट ट्राई टू अवॉइड सच ए क्राइम। तो इट इज़ अ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इट इज़ अ मॉरल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी वहाँ पर झलकनी चाहिए ताकि हमारा कोई भी बच्चा भविष्य में जाके कहीं बम पटाखे न छोड़े। उसके और तरीके हैं, गांधी ने हमें बहुत बड़ा तरीका दिया, वो अमरन अनशन पे बैठ सकते थे, लेकिन इतने लोगों के जान माल से खेलना, वो धुआं कर देना, उसमें कितने बुजुर्ग थे होंगे, किसका पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, गलत बात। तो आदर करना चाहिए, वो सबसे बड़ी पंचायत है। तो उसी तरह से स्कूल में उदंडता बढ़ने का एक दो भी कारण होता है तो आप देखिए कि उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज कितना आप इनकलकेट कराते हैं। अगर बच्चों से पूछकर, जो गिजू भाई ने जो प्रयोग किया है दिवास स्वप्न में, कि यू मस्ट आस्क क्लास कैसे स्टार्ट होना चाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल है, वो भी गाहे बगाहे इन डैट पे और डैट पे पूछा गया कि आप कैसे किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो बराबर क्लास को स्टार्ट करने के लिए पहले उसको डेमोक्रेटिक मूड में लाइए, कुछ सवाल उनसे पूछिए, कुछ भी पूछिए, मौसम है बारिश का तो क्या, कैसे आए आप स्कूल, कैसा रहा बारिश, से कुछ बातें निकालिए, सीधे जाकर स्टूडियो टाइप
ब्लैक बोर्ड लेकर और उस पर लिखना और स्पीच देना नहीं, इन्वॉल्व कराइए अपने गप में, 10 सेकेंड, 14 सेकेंड, आप 25-30 सेकेंड तक उनके साथ कुछ गुनगुना सकते हैं, कुछ गा सकते हैं, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। तो ये याद रखिए कि कभी भी डेमोक्रेसी सरेंडर नहीं होना चाहिए, और उसका सरेंडर होना ही जीवन में आदमी को आपराधिक भी बना देता है। तो एक बात ये है। उसके बाद वर्क प्रोफाइल पूछा जा रहा है सबसे, वो तो हम लोग भी इसी लेते हैं कि जो चार्जेज आपके पास होते हैं, बेसिकली वो क्यों पूछा जा रहा है कि आप उस चार्ज को कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उससे बड़ा चार्ज मिलने जा रहा है। तो छोटे चार्जेज अगर आपके पास हैं और उसको आप ठीक से समझते हैं, वहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी के पास एग्जामिनेशन का चार्ज है, किसी के पास NCC का चार्ज है, दुनिया भर के चार्जेज हैं, दर्जनों चार्जेज हैं, और हर टीचर के पास कुछ ना कुछ चार्ज है। तो चार्जेस पर ही आप अगर बहुत क्रिएटिव व्यूज रखते हैं, जैसे टाइम टेबल का चार्ज है सबसे खतरनाक चार्ज है, जो मेरे पास जो सूचना है उसके लिए बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत टीचर कहते हैं कि हमारा 5 घंटे लगा दिए 6, क्योंकि बड़ा सिस्टम है तो हर दिन 100% प्रेजेंस टीचर का नहीं हो सकता है किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि अगर कॉन्फिडेंस में हम डेमोक्रेटिकली करें, ये तो पता होता है कि कौन कल छुट्टी पे है कब नहीं है, ऑल ऑफ सडन वाले बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ कोई हादसा हो जाए, तो उसमें भी अगर डेमोक्रेसी लाया जाए, फेवरिज्म ना हो कि हमारे पक्ष के हमारे गुट के टीचर गलत बात है। हर पर्सनालिटी अलग अलग है, सबकी ब्यूटी को आप इंजॉय करें हर पर्सनालिटी को, और रहना सीखें, डेट इज़ अ डेमोक्रेसी एडुकेशन, वरना BP और शुगर हो जाएगा और पूरे सिस्टम में। और उसके बाद पूछा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर, जो एक बहुत बड़ा रोल अदा करना है, जिसको आप कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर आता है ICT। तो इसमें क्या चैलेंजेज हैं, इसमें किस ढंग की सुविधा है आपके पास, बहुत जगह स्मार्ट बोर्ड भी लग चुके हैं जैसा ये बोर्ड है, बहुत जगह नेट कनेक्शन में भी दिक्कत आती है, बहुत जगह कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन, तमाम चीज़ें, तो उस चीज़ को क्या रोल है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि पोस्ट पेंडेमिक ये मानना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एडुकेशन को कहीं ना कहीं बचाया है। अब ये अलग डिबेट की बात है कि जब छोटे छोटे डिवाइस बच्चों को मिले हैं तो वो बच्चों की ज़िंदगी से खेला भी है, उनको कहीं ना कहीं उनके मेंटल फिजिकल हर हेल्थ पर प्रभाव डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं एडुकेशन उसी बहाने थोड़ा बहुत जिंदा रहा, डिलीवर हुआ। तो अब उसको ठीक करना भी आपका काम है कि उस गैजेट का कितना यूज़ करें, इस पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको डेली काम करना है कि उनके हाथ से वो गैजेट निकले, उसका इम्प्लीकेशन बंद हो, और स्कूल में जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड ऑन मिलता है उसका अधिक से अधिक यूज कीजिए, ताकि उससे आप क्लास को बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। उसके बाद NEP के बारे में पूछा गया, NEP की चंद विशेषताएं, मतलब फ्यू फीचर्स बताइए, सब ने बताया। स्किल एडुकेशन ने कहा कि इन्होंने जवाब दिया एक ने कि स्किल एडुकेशन की बात NEP में की गई है, तो उस पर थोड़ा विस्तार से हुआ। तो जो आप जवाब देते हैं, इन्होंने पहला जवाब दिया कि NEP में एग्ज़ाम के प्रेशर को कम किया गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत सही बोला। उसके बाद स्किल की बात कहे, स्किल पे उलझा मामला, पूरा डिटेल पूछा गया, क्योंकि स्किल में एक प्रॉब्लम तो आने जा ही रही है कि इतने सारे स्किल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो हैंड्स की कमी होगी, रिसोर्सेज की कमी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि गवर्नमेंट अब सोच रही है कि स्किल के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम भी बनाएगी, और जहां से आप ऑनलाइन चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं, और एक्सपर्ट की कई जगह पे वो भी फिक्स कर दिया गया है कि क्या वेतन मान होगा और स्किल सेंटर बनेगा। बहुत सारी चीज़ें अभी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर है, इसलिए कोई भी आदमी कोई गलती ना करें। पॉलिसी लागू हो चुकी है, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट्स अभी धीरे धीरे स्लोली स्लोली फिल्टर्ड होके फ्लो करेगा,
अभी सिलेबस करिकुलम आया, सिलेबस आएगा, चीजें आएंगी, इन टोटल पॉलिसी लागू है, वी ऑल आर अंडर NEP 2020, एग्जाम की भी पॉलिसी लागू हो गई। तो धीरे धीरे चीजें हैं, कुछ 2025 तक होंगी, कुछ 2030 तक होंगी, समथिंग 2035 तक जाएगी। तो इट इज अ, इसको बोलेंगे कि एक क्रमिक विकास है, एक सिस्टमेटिक और एक सीरियल वाइज डेवलपमेंट है। तो धीरे धीरे चीजें आएगी और 10 साल के बाद इसका एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा, तब जाके हम बहुत कुछ वोकल हो सकते हैं। जैसे पुरानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, ने सबसे बड़ा डैमेज कर दिया सोसाइटी को, कि डिप्लोमा डिजीज पैदा कर दिया, रोजगार नहीं। ये कंप्यूटर के बाजार में इतनी ठगैती हो गई, हर जगह डिप्लोमा डिप्लोमा, तो वो कान में गूंजता है तो डर लगता है। अब ये क्या करता है कि यहाँ से दिल्ली से किधर भी 200 किलोमीटर चले जाइए, केवल इंजीनियरिंग कॉलेज और क्या क्या डिप्लोमा सारे बंद हो गए, हो रहे हैं। तो जो टाइम को स्कैटर न करे, वो एडुकेशन पॉलिसी किसी काम की नहीं होती है। उसमें एक फ्यूचर विजन होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक हो, कि मेरा देश 50 साल में कहाँ जा रहा है, उसको कैसे रिसोर्सेज चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कितने मतलब एबल और कैपेबल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। उसके बाद तो यही है, यही प्रश्न है, बहुत कुछ नहीं है। कल थोड़ा करंट अफेयर्स कर लीजिएगा, और क्योंकि आज बम बम फूटा है, उस पर पॉजिटिव व्यू देना है कि गलत किया उन लोगों ने, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का सम्मान अपने एडुकेशन की तरफ खींच के ले आइए। जैसे मैंने बोला कि वो कल अखबार में आएगा कि कब कब बम फूटा, उसमें भगत सिंह का भी आएगा, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, वो हम फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे। और ये तो डेमोक्रेसी है, जब जनमत ने वोट दिया है एनडीए गवर्नमेंट को, तो किसी को विरोध करना है बिल्कुल करे, लेकिन संसद में ऐसे ना करके करे, इससे गलत मैसेज जाता है और ये गलत है। किसी की भी, हम सब गांधी के देश के हैं, किसी को एक मतलब गांधी सोचिए कि जो बोलता है कि एक रोटी भूख से ज्यादा खाना भी अनैतिक है, अनइथिकल एंड अनमोरल। उतने बड़े फिलोसफर के देश के हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जय हिंद।